हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता अग्रवाल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक। ये लुक मैंने क्रिएट किया है निका के आई शेडो पैलेट से, जिनका रिव्यू मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो ही वीडियो आगे पुश होगी, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो आगे पुश नहीं होगी। तो मैक्सिमम लाइक आप वीडियो को दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को शेप करूंगी एंड उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपना फेवरेट प्रोडक्ट मेबलिन का ब्राउन जेल लाइनर, और यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा अपने ब्राउज को शेप कर लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का ये कंसीलर, मैंने ये न्यू ऑर्डर किया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कंसीलर है, बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज है इसकी। और मैंने इसको एज अ प्राइमर यूज़ किया है, एज अ आई प्राइमर यूज़ किया है। एंड मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर आईज़ पे लगाने से जो आपका आई शेडो है बहुत अच्छे से पॉप होके आता है, बहुत अच्छे से उसका कलर आता है, एज अ प्राइमर काम करता है। उसके बाद मैं इसको सेट कर रही हूँ फिट मी के कॉम्पैक्ट पाउडर से, सो दैट जो मेरी आईज़ है वो क्रीज ना हो जाए और आई शेडो जो है वो हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे तो हमारा आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, ये अमेज़ॉन से ये ब्रशेस का सेट मैंने ऑर्डर किया था। और मैं अपने निका के पैलेट बर्थडे केक पैलेट से ये पीची शेड ले रही हूँ और एक्स्ट्रा मैंने डैब आउट किया है। एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने क्रीज एरिया पे, अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। फर्स्ट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसको बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ये थोड़ा सा कलर मैंने पहले कम लिया है, धीरे धीरे मैं इसको बिल्डअप कर रही हूँ। मैंने हल्का हल्का कलर अप्लाई किया, ब्लेंड किया एंड देन और कलर लिया एंड फिर से ब्लेंड किया अच्छे से। मैंने इसको बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंड करने के बाद बफ किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिंक कलर है इसमें, पीची कलर आया है। और सेम ही मैं सेकेंड आईज पे भी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ। इससे जो है आपका कलर का जो टेक्सचर, जो कलर का जितना आपको कलर चाहिए उतना आप बिल्ड कर सकते हैं। एकदम से ज़्यादा कलर लेंगे तो हो सकता है आपको कम कलर चाहिए और एकदम से ज़्यादा बिल्ड होता है। सो पहले थोड़ा थोड़ा कलर लें एंड उसके बाद अपने कलर को बिल्ड करें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये अंडर द सी पैलेट लिया है एंड उसमें से मैं ले रही हूँ ये ऑरेंज शेड। दिस इज़ ओनली ऑरेंज शेड एंड इसको भी मैं अपने क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ, जहाँ पे मैंने पीच शेड लगाया है उसी के ऊपर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा सनसेट वाला लुक देने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आइस क्रिएट कर रही हूँ थोड़ा सा सनसेट आइस क्रिएट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको ऑरेंजी शेड से ब्लेंड कर रही हूँ दोनों आइस पे अच्छे से। मैंने लगा के इसको भी ब्लेंड किया है क्रीज एरिया पे, और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है कि दोनों के बीच में आपको कुछ भी हार्श लाइन नज़र ना आए। नेक्स्ट मैं अपने पैलेट से बर्थडे केक पैलेट से ले रही हूँ येलो शेड एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने येलो शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है एंड मैं इसको अपने ऑरेंज एंड पिंक शेड के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट मेरे ऑरेंज और ऑरेंज पिंक और येलो शेड के बीच में कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। और बहुत अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है एंड ये मैं सनसेट लुक क्रिएट कर रही हूँ तो ये एक आपको सनसेट इफेक्ट देगा। एंड आप देख सकते हैं मेरे आईज़ पर कितना अच्छा ऊपर से एक सनसेट इफेक्ट आ रहा है। सेम मैं सेकेंड आईज़ पे भी कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ एंड दोनों को अच्छे से कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, क्रीज एरिया को एंड ट्रांजिशन शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि कुछ भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक बिग पेंसिल ब्रश एंड मैं ले रही हूँ अपनी पैलेट से ये पिंक शेड, ये पिंक शेड ले रही हूँ मैं, ये सेम बर्थडे केक पैलेट से पिंक शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने ब्रश पे लेके एक्स्ट्रा डैब ऑफ करूँगी। एक्स्ट्रा आपको ऑलवेज डैब ऑफ करना है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपका निकल जाएगा, वो फॉल आउट नहीं होगा। एंड इसको मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने अप्लाई किया है एंड फिर मैंने इसको अपने क्रीज एरिया क्रीज कलर के साथ ब्लेंड किया है। एंड सेम ही मैं अपने सेकेंड आई पे भी कर रही हूँ, अपने आउटर कॉर्नर पे पहले अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेड को एंड देन मैं उसको अपने क्रीज कलर के साथ, अपने जो मैंने क्रीज कलर अप्लाई किया उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कुछ भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। बहुत अच्छे से ब्लेंड करें सारे कलर्स को, कुछ भी हार्श नहीं विजिबल होना चाहिए, सारे कलर्स ब्लेंडेड लगने चाहिए। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपके आई शेडो सारा अलग अलग दिखेगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। उसके बाद मैं सेम पैलेट ले रही हूँ बर्थडे केक एंड मैं ले रही हूँ ये शिमरी ब्लू शेड, ये स्काई ब्लू शिमरी, थोड़ा सा स्काई ब्लू शेड है
और इसको मैं पहले अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले इसको अपने फिंगर से अप्लाई करके देखा था, बट फिंगर से ना ये बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया फिंगर से अच्छे से अप्लाई करने का, बट ये थोड़ा सा ना कुछ परत परत टाइप से लग रहा था। मैं जितना अप्लाई कर रही थी उतना ही मेरे हैंड पे स्टिक हो रहा था, जो मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि एक दो शिमर शेड ऐसे हैं जो थोड़े से परत की तरह निकलते हैं, तो उनमें से एक ये था। तो पहले मैंने इसको हैंड से लगाने की बहुत ट्राई की, जब ये हैंड से नहीं लगा तो उसके बाद मैंने इसको ब्रश से लगाने की ट्राई की, एंड ब्रश से थोड़ा सा ये अच्छे से लगा। एंड इसको मैंने डैब नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा रब करके लगाया, रब करके बहुत अच्छे से लगा, क्योंकि डैब करके मैं लगा रही थी तो ये जितना लगा रही थी उतना ही वापस निकल रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया, थोड़ा सा रब करके लगाया तो ये अच्छे से लग गया। तो आपको भी अगर आप ये पैलेट ख़रीदते हैं ना, आपको भी लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी इस तरीके से इसको रब करके लगाएं तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, ब्लेंड करके लगाएं। और डैब आउट डैब ना करें, डैब करेंगे तो निकलता रहेगा, ऐसे इस तरीके से ब्लेंड करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, जैसे कि मैंने लगाया। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया, एंड दूसरी आइज़ पर भी मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट मैंने ये बिग पेंसिल ब्रश लिया है जिससे मैंने पिंक शेड लगाया था, एंड उससे मैं अपना पिंक शेड और ब्लू शेड को ब्लेंड कर रही हूँ, दोनों शेड्स को। और ब्लेंड करेंगे तो दोनों शेड्स का मिला के एक थोड़ा सा ना पर्पली सा शेड बन जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, जो सनसेट लुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है, क्योंकि सनसेट लुक में थोड़ा सा पर्पल पर्पल शेड भी आता है। उसके बाद मैं अगेन ये सेम ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो मैंने फर्स्ट लिया था, एंड अपने सारे कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कुछ भी हार्श विजिबल ना हो, कुछ भी हार्श लाइन ना दिखे। बहुत अच्छे से मैं पूरे सारे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबेलिन का कॉलोसल पेन लाइनर, और ये भी मैंने न्यू बाय किया है, और जब से मैंने ये बाय किया है ना तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, चाहे मुझे नॉर्मल मार्केट में जाना हो या कहीं भी जाना हो, मैं तब से इसी को यूज़ कर रही हूँ। सो आज के वीडियो में भी मैं आपको ये यूज़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लाइनर है। इससे आप चाहे कितनी ही मोटी लाइन लगा सकते हैं, कितनी ही पतली लाइन लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं अब तो दूसरा वाला लाइनर यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसी को यूज़ कर रही हूँ अभी जब से मैंने ये बाय किया है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉलोसल का मस्कारा, ये भी मैंने न्यू बाय किया है। जो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने न्यू बाय किए हैं वो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड जब भी आप मस्कारा अप्लाई करें उसको ऐसे शेक करके अप्लाई निकालें, एंड सारा जो मस्कारा है पहले उसको खाली कर दें, एंड फिर अपने ब्रश को लगाएं। आप इससे आपकी जो लैशेज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से मस्कारा से, मतलब जो आपकी लैशेज़ है वो बहुत अच्छे से कर्ल हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मस्कारा ब्रश में लगाओगे ना उसके बाद आप आइस पे लगाएंगे तो आपकी जो लैशेज़ है ना वो सारी चिपक जाएंगी एक दूसरे से। सो मस्कारा को पहले मस्कारा ब्रश को पहले खाली कर लें एंड फिर लगाएं ना, तो इससे जो है आपकी जो मस्कारा है वो बहुत अलग अलग हो जाती हैं। ये थोड़ा सा मेरे आइस पे लग गया है, बट नो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे बाद में। तो मैंने यहाँ पे अपने आइज़ को कोट कर लिया मस्कारा से, मैंने लोअर पे नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने फेस पे मेकअप नहीं किया है, तो करने के बाद ही मैं करूँगी। मैंने यहाँ पे फॉल्सेस ऑफ कैमरा लगा ली, एंड उसके बाद मैं फॉल्सेस और रियल लैशेस को मस्कारा से सेट कर रही हूँ सो दैट वो ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया ये NYB का प्राइमर, एंड मैं इसको बहुत जहाँ जहाँ मुझे पोर्स है मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो लास्ट में बचता है उसको पूरे फेस पे। और आज मैं करेक्टर की जगह ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैट ऑरेंज लिपस्टिक है लैक्मे की, आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आपके पास करेक्टर नहीं है और ऑरेंज लिपस्टिक हो तो कैसे आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं, वो इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो आज मैंने ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ की है, एंड आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छे से काम करता है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको सेट कर रही हूँ पाउडर से, सो दैट ये फाउंडेशन के साथ मूव ना हो, कहीं भी अपनी जगह पे रहे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन 6235 प्योर बीच, एंड मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्लेंडर से। और मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प है, मेरा गीला ब्यूटी ब्लेंडर है, क्योंकि गीले ब्यूटी ब्लेंडर से जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, एंड जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं, एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने ऑरेंज लिपस्टिक अप्लाई की थी वो कितने अच्छे से काम कर रही है, कितने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कितने अच्छे से हाइड हो गए हैं।
तो मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत इक्वली ब्लेंड हो रहा है पूरे फेस पे। एंड बाद में जो लेफ्ट ओवर जो बच जाता है उसको मैं अपने नेक पे ब्लेंड कर लेती हूँ। नेक पे ब्लेंड करना ना भूलें, एंड अगर नेक पे नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका फेस एंड नेक बहुत अलग अलग लगेगा, तो नेक पे ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आईज़ पे यूज़ किया था, एंड मैं इसको अपने हायर पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगा रही हूँ, जैसे अपने चीक बोन पे, अपने नोज़ ऑफ द ब्रिज पे, क्यूपिड पे, चिन पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है। एंड मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एंड मेरा ब्यूटी ब्लेंडर अगेन डैम्प है। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, और ये मेरा ब्लेंड हो गया है। अप्लाई कर रही हूँ मैं कॉम्पैक्ट कंसीलर जो है वो कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपका जो कंसीलर है जो आइस के नीचे कंसील किया है वो सारा क्रीस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ कंसील किया था वहाँ वहाँ पाउडर से सेट करें। नेक्स्ट मैं यूज़ किया है ये NYB का कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं अपने फेस को शेप देने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह के बाद हमारा फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, तो एक अपने फेस को एक कट देने के लिए, एक शेप देने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टोर। मैं यहाँ पे नोज़ भी कॉन्टोर कर रही हूँ, मेरे को नोज़ कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेरी नोज़ है बहुत पकौड़े जैसी मोटी। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बिग एंगुलर ब्रश इसको ब्लेंड करने के लिए। आप ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो मैंने आज यहाँ पे ये एंगुलर ब्रश से ब्लेंड किया है, और इससे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। और मैं साथ फोरहेड भी ब्लेंड कर रही हूँ, चीक जॉ लाइन भी मैंने ब्लेंड कर लिया है, और मैं अपने नोज़ को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगी ये स्मॉल एंगुलर ब्रश। आप देख सकते हैं स्मॉल एंगुलर ब्रश है गाइस। ये जो ब्रशेज़ हैं ये अमेज़ॉन से बाय किए हुए हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें 5 फेस ब्रश होते हैं एंड 5 आइज़ ब्रश होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रश हैं ये। एंड आप देख सकते हैं मेरी नोज़ कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। नेक्स्ट मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मैं कोई क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अब अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ पाउडर से। अब मैं ले रही हूँ ये ब्रॉन्ज़र, ये स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्ज़र है, एंड मैं ले रही हूँ ये इस तरीके से ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। सो गाइज़ आप लोगों को पता होगा ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोर में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्टोर हम करते हैं शेप देने के लिए, एंड ब्रॉन्जिंग हम करते हैं अपने फेस को एक कलर देने के लिए, टैन करने के लिए। तो जो ब्रॉन्जिंग हम करते हैं वो अपने चीक बोन एरिया पे करते हैं, और कॉन्टोर करते हैं वो चीक बोन एरिया से डाउन करते हैं। एंड मैं अपने नोज़ को भी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ वो सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से। उसके बाद अगेन मैं अपने पैलेट्स ले रही हूँ, बर्थडे केक एंड अंडर द सी, एंड उसमें से पीच एंड ये ऑरेंज टोन ले रही हूँ मैं, जो मैंने अपने आईज़ पे अप्लाई किया था क्रीस एरिया पे। एंड मैं लूँगी अपना स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इसको अपने लोअर लैशेस पर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि फेस पे मेकअप नहीं था, तो फेस पे मेकअप करने के बाद ही मैं इसको अपने लोअर लैशेस पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। दूसरी आईज़ पे भी ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये स्मॉल पेंसिल ब्रश, एंड मैंने ये लिया है अपना ब्लू शेड जो मैंने अपने आईलेट पर अप्लाई किया था, एंड उसको अपने में लोअर इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने हाफ आईज़ पे अप्लाई किया है पिंक एंड ऑरेंज शेड, एंड हाफ लोअर आईज़ पे अप्लाई किया है ब्लू शेड। उसके बाद मैं इसको कोट कर रही हूँ मस्कारा से, अपने लोअर लैशेस पर मस्कारा कोट कर रही हूँ जो मैंने पहले नहीं किया था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना फेवरेट ब्लशर पैलेट, स्विस ब्यूटी का टेराकोटा ब्लशर, और मैं ले रही हूँ ये पिंक शेड अपना, क्योंकि मैं पिंक लिपस्टिक लगाने वाली हूँ तो मैं पिंक ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको भी ब्लशर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो शेड लिपस्टिक का लगाए उसी के मैचिंग या उसी टोन में थोड़ा अपना ब्लशर अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे ब्लशर अप्लाई किया एंड देन मैंने इसको ब्लेंड किया है। अगर आप ऑरेंज लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आप सिंपल ब्रॉन्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, ये भी मैंने न्यू बाय किया है। और हाईलाइटर तो आप लोग को पता है कि मेरे को कितना पसंद है, हाईलाइटर तो मेरी जान है, और ये वाला हाईलाइटर ओ माय गॉड, इसको तो देखते ही ना बस इससे आपको प्यार हो जाएगा। इतना सुंदर हाईलाइटर है ये, और कितना अच्छा ग्लो आया मेरे फेस पे, मतलब हाईलाइटर लगाते ही ना फेस ऐसे चमक गया एकदम से। तो मैंने अपना जहाँ जहाँ कंसील किया था वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट किया है। और मैं नेक्स्ट यूज़ करी हूँ ये फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक इन द शेड 13, ये मैंने न्यू बाय की है ये भी, और फर्स्ट टाइम मैं इसको लगा रही थी तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसी लगेगी, बट लगाने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लगा मुझे ये, तो इसीलिए मैंने इसी टोन से मैचिंग अपना ब्लशर लिया था।
और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये लास्ट विज ब्यूटी का अपना मेकअप फिक्सर, अपने आईज से बचाते हुए मैं अपना मेकअप फिक्सर अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ एंड उसके बाद इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिए। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा मेकअप लुक। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।